Ya şişirip kırmızı. O gayet bayıkmış zaten. अरे जी सलाम अलैकुम जनाब मोहम्मद अली साहब, वालेकुम सलाम। आज तो हम आपको तौजुल मसाइल में से वाजिबात नमाज बताएंगे। हाँ, वाजिबात नमाज क्या क्या है? वाजिबात बोले तो क्या है मालूम, जो के जरूरी रहते वो आप भूलना नहीं नमाज में। दूसरी चीजें भूले तो नमाज हो जाती, मगर ये वाजिब। तो सबसे पहला वाजिब क्या है मालूम? नियत। नियत बोले तो समझ गए आप क्या चीज है जी। हाँ, नियत बोले तो जो आप बोलते, क्या बोलते आप? नमाज पढ़ता हूँ मैं फजर की 2 रकत खुरबतन इलल्ला, या जोहर की रही तो जोहर की 4 रकत खुरबतन इलल्ला। हाँ, और असर की रही तो नमाज पढ़ता हूँ मैं असर की 4 रकत खुरबतन इलल्ला। पूरा बोलो क्या है? नमाज पढ़ता हूँ मैं फजर की खुरबतन इलल्ला। रकत भी बोलना, 2 रकत खुरबतन इलल्ला। हाँ, अब ये क्या है? वाजिब है। ये छूट गया तो नमाज नहीं होती आपकी। हाँ, ये वाजिब है आपको, समझ गए? उसके बाद दूसरा क्या है? ख्याम। ख्याम बोले तो क्या मालूम? खड़े रहना। अब आप दूर खड़े रह के बताओ, खड़े रहो आप। हाँ, आप खड़े रहो, पीछे हटो, पीछे हटो। हाँ, ये आप खड़े रहेंगे। हाँ, खड़े रह के जो आप ये खड़े हुए बिल्कुल अपटू डेट खड़े रहेगा सीधा, इसको क्या बोलेंगे? ख्याम। पहले क्या करे आपने? नियत। दूसरी चीज क्या करे आपने? ख्याम। अब तीसरी चीज क्या करेंगे मालूम? तकबीरतुल अहराम। तकबीरतुल अहराम बोले तो अल्लाह अकबर। बताओ अल्लाह अकबर कैसे करते? अल्लाह अकबर करते वक्त दोनों हाथ ऐसे खुले, कान पे नाप जो आपका ऐसा अंगूठा टिकना। हाँ, समझ गए? हाँ, ये जो है वाजिब तकबीर है। इसके बाद जितने भी तकबीर आएंगे वो आपके लिए वाजिब नहीं, मुस्तहब है। आओ बैठो, समझ गए? 3 आइटम आपके समझ में आ गए अभी। अभी तक आपने 3 कौन से आइटम करे? नियत करे, बोलो। नियत, ख्याम और तकबीर। तकबीरतुल अहराम, ये हो गए 3 बातें। ये वाजिब में। अब आप दरमियान में तकबीरा जितने भी आएंगे अल्लाह अकबर वो मुस्तहब है, और नहीं भी करे तो आपकी नमाज को कुछ हरकत होती नहीं। समझ गए ना? जो दरमियान में आते हैं अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इतने जो करते ना आप, या खड़े रहते हैं अल्लाह अकबर, रुकू में जाते हैं अल्लाह अकबर, वो सब क्या है? मुस्तहब है। पढ़े तो फायदा, नहीं पढ़े तो कोई नुकसान नहीं। मगर ये तकबीर, ये अल्लाह अकबर जरूरी है। अब आज हम जो लोगों में, दूसरे लोगों में है वो लोगों में नहीं होती। हाँ, तो आप जो, तो आपने भी कर लिए उनके साथ, तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आप जरूर हर वक्त हाथ उठा के अल्लाह अकबर ऐसा करते बैठना। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं, समझ गया? कौन सा तकबीर जरूरी है? पहली। हाँ, उससे तकबीर तो आराम कंपलसरी है, वाजिब है। दूसरे जो तो अपन करते ना आखिर तक अल्लाह अकबर 3 करते, वो भी वाजिब नहीं, सिर्फ ये पहली वाजिब है। सब जो है तो आपको अगर छूट गए तो आपकी नमाज को कुछ भी नहीं, आप छोड़ भी दिए। आपने बहुत बार देखे कि लोग ऐसा करते, वो नहीं है, वो जरूरी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये समझ गया आप? कितनी बातें समझे आपको? 3 बातें मेरे को फिर से बोला आप, क्या क्या है? पहली नियत, दूसरी ख्याम, तीसरा तकबीरतुल अहराम। हाँ, ये होगा, 3 तो हो गई ना। अब 3 के बाद चौथी बात, कि हर नमाज में रुकू रहता। रुकू क्या होता? ख्याम के बाद क्या होता? अल्लाह अकबर का क्या करते अपन? सूरा पढ़े, सूरा पहला आलम पढ़े, फिर इन्ना तैना या कोई से भी सूरा पढ़े, उसके बाद क्या करते हैं आप? अल्लाह अकबर की क्या करते हैं? पहले रुकू में जाते हैं। हाँ, दूर खड़े रहकर बताओ, रुकू में कैसा जाते हैं? रुकू में जाओ, अब जाओ रुकू में। हाँ, अब ये रुकू में गए ना, तो ये जो है तो ये भी वाजिब है। ये छूट गया और डायरेक्ट सज्दे में गए तो आपकी नमाज बातिल हो जाती। हाँ, ये चौथी चीज है, समझ गए? अब बोलो पहली चीज क्या है? पहली नियत, दूसरी ख्याम, तीसरा तकबीरतुल अहराम, चौथी रुकू। हाँ, 4 बातें हुई, 11 है, बोलो ना, 11 में से ये
चार हो गए, हाँ, यानी अब ये नहीं छूटना, आपकी नमाज अगर पूरी होना है तो आपको पहली चीज होना नियत कि मैं नमाज पढ़ता हूँ जोर की या जो भी नमाज पढ़ता हूँ वो बोलना, हाँ, उसकी रकत बोलना और उसके बाद खुरबतन इलल्लाह जरूर बोलना है, खुरबतन इलल्लाह में नमाज पढ़ो, क्यों, उसके बाद क्या होगा, ये नियत खत्म हो जाती, फिर आपको क्या होगा, सीधे खड़े हो गए नमाज के लिए अप टू डेट, हाँ, उसके बाद क्या करे, अल्लाह अकबर, यही अल्लाह अकबर कंपलसरी, बाकी के अल्लाह अकबर कंपलसरी नहीं, वाजिब नहीं, कुछ वो आप करते गए तो उसको सवाब एक्स्ट्रा होता, अगर कोई सुन्नियों के उसमें है या कोई अपने कोई हसरा कर रहा तो छाड़, वो नहीं करने से चलता, मुंह में बोल भी लिया अल्लाह अकबर, हाथ उठाए बगैर भी अल्लाह अकबर बोल दिए, समझ गया ना, यही मम्मी बोल रहे थे तुम आप गुस्से में आ रहे थे, तो ये बात ऐसी है, ये मुस्तहब है जो, और ये वाजिब है, पहला अल्लाह अकबर वाजिब है, बाकी जितने नमाज के अंदर अल्लाह अकबर आएंगे वो सब क्या है मालूम, अरे फिर बन हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर मामला, समझे, समझ गए चार बातें, फिर से रिपीट कर दो चारों बातें, सबसे पहली नियत, दूसरी खयाम, तीसरी तकबीरतुल इहराम, चौथी रुकू, बस चार हो गए, अब पांचवा क्या है मालूम, सुजूद, सुजूद बोले तो सुजूद इस वास्ते बोलते दो सज्दों को मिला के, एक सज्दा रहता दो बोले तो सुजूद, तो हर रकत में दो वक्त सज्दे में जाते, कैसा जाते बताओ, दो बार इधर सामने सामने करो, इसके सामने बैठा, अब सज्दे में अल्लाह अकबर, बल्कि जाओ सज्दे में अल्लाह अकबर, ये आप इधर ठहरो, हाँ ये सज्दे में चले गए आप, हाँ अब खड़े अब बैठो, अल्लाह बैठ गए ना, हाँ बैठ के फिर अल्लाह अकबर इस्तग़फार अल्लाह रब्बी आती बोले, बोलो अल्लाह अकबर इस्तग़फार रब्बी आती बोले, अल्लाह अकबर, हाँ फिर बैठो, ये क्या हो गया आपके, इसको बोलते सज्जू, दो सज्जे करें ना आपने, एक के बाद दो सज्जे, एक सज्जा नहीं दो सज्जे होना कंपलसरी होगा, क्या हुआ, हाँ दो सज्जे वाजिबात में से आ गए, उसको बोलते हैं सुजूद, दो सज्जे करना, हाँ हो गया, तो अब पांच चीजें हो गई, फिर से बोलते पांचों चीजें, सबसे पहली रियत, दूसरी खयाम, तीसरी तकबीरतुल इहराम, चौथी रुकू, पांचवी सुजूद, हाँ ये पांच चीजें अब तक क्या, ग्यारह में से पांच पांच समझ गए, अब उसके बाद क्या है, छठी है खिरत, खिरत बोले तो क्या, सूरे पढ़ते तो उसको बोलते खिरत, खिरत करते ना मन, क्या क्या खिरत करते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो खिरत करते इसको बोलते खिरत, यानी आपको उसको तजवीद में पढ़ने को बोलते, तजवीद में नहीं पढ़े आप, पढ़े थे खारी, खिरत बोलते बोलना, पढ़ना सूरों का पढ़ना, हाँ तजवीद में नहीं भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम ऐसा पढ़े तो भी वो होगा, छठी बात हो गई खिरत यानी सूरों का पढ़ना, हाँ उसके बाद क्या है मालूम, अब बोलो अब छह चीजें पूरे बोलो एक के बाद एक, पहली नियत, दूसरी खयाब, तीसरी तकबीरतुल एहराब, चौथी चौथी रुकू, पांचवी सुजूद, छठी खिरत, खिरत खिरत बोले तो सूर्य पढ़ना, समझ में, सूर्य पढ़ना, उसके बाद क्या है जिक्र, जिक्र बोले तो क्या है, आप जाते ना जिक्र करते क्या, रुकू में जाते क्या बोलते, सुबह बोला अजीम अबहदे, सुबह बोला अजीम अबहदे, हाँ और उसके बाद ये तो आप सज्दे में जाते सुबह रबी आला अबहदे, सुबह बोला ये चीजों को क्या बोलते, जिक्र, हाँ क्या बोलते इसको, जिक्र बोलते जो डिस्कशन बोलते जैसा ना, जिक्र जिक्र क्या होगा, ये सातवां होगा, जिक्र कौन सी चीज है, रुकू में जो बोलते सज्दे में जो बोलते वो जिक्र आता, हाँ बोलो क्या क्या है, सुभान अल्लाह अजीम हो गया, ये जब जिक्र में आ गया, अब उसके बाद क्या बोलो, फिर सात तो बोले सात तक आ गया अपन, बोलो सबसे पहले नियत, दूसरे खयाब, तीसरी तकबीरतुल इहराम, चौथी रुकू, चौथी रुकू,
पांचवी सुजूद, पांचवी सुजूद, छठी खिरत, सातवी जिक्र, जिक्र हो गया। अब ये जिक्र होगा, ये होगा। अब आप जब बैठते हैं ऐसा, जब बैठ के जो तशहुद पढ़ते दूसरी रकत में और आखिरी रकत में तशहुद पढ़ते ना, क्या है तशहुद? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा पढ़ो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न अब्दुहू व रसूलुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तशहुद भी जो पढ़ते अपन, ये भी वाजिब है, आठवीं चीज है। कौन सी? तशहुद पढ़ना वाजिब है। तो नमाज थोड़ी आती, ये नहीं पढ़े तो नमाज आपकी यानी बातिल हो जाती है। अब उसके बाद छोटे रहे तो भी होती है, और क्योंकि नमाज फायदे की होना तो पूरी होना पड़ती है ना। आठवीं चीज तशहुद, समझ गए? एक के बाद एक फिर से बोलो, आठ तक के। बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले नियत, दूसरी कयाम, तीसरी तकबीरतुल इहराम, चौथी रुकू, पांचवी सुजूद, छठी खिरत, सातवीं जिक्र, आठवीं तशहुद। अब ये तशहुद, अब नमाज अपन सिलसिलेवार समझ गए। अपन जब खड़े रहते तो पहले नियत करते, फिर कयाम करते यानी खड़े रहते, फिर तकबीरतुल इहराम करते, फिर रुकू में जाते हैं, और रुकू में जाने के बाद फिर सज्दे में जाते। अपन वही सिलसिले से याद करो ना, सज्दे में जाते, सज्दे में से उठते तो फिर यानी आपके, और फिर क्या करते आप, खैरत जो करते, सूरे पढ़ते वो है, फिर जिक्र यानी अपन जो सुभान रब्बिल आला व बिहमदिहि सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहमदिहि, और उसके बाद तशहुद होगा। आठ हो गए, आठ होने के बाद अब आपको बोलना क्या है मालूम? नवा, जब नमाज खत्म करते तो क्या बोलते हैं आप नमाज के बाद? तशहुद के बाद क्या पढ़ते हैं? सलाम, अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू, यानी अस्सलाम रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह बरकातुहू, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। या नमाज खत्म हो गया आपकी, हां अब आप तीन अल्लाह अकबर करते, अगर तीन अल्लाह अकबर नहीं भी करे तो वाजिब नहीं है। जैसे आप क्या हो रहा है, आप स्कूल में पढ़ रहे थे बोलते अल्लाह अकबर बोले तो हंस रहे ना, तो वो अल्लाह अकबर पहले अल्लाह अकबर वो लोग भी बोलते, अपन नहीं बोलना। कौन सा? ये तकबीरतुल इहराम जिसको बोलते, किसको? तकबीरतुल इहराम, वो कंपलसरी, बाकी जितने भी अल्लाह अकबर है वो मुस्तहब है। तो ये क्या होगा? नवा है, सलाम। सलाम कौन सा है? नवा। बोलो फिर से। सबसे पहले दियत, दूसरी खयाम, तीसरी तकबीरतुल इहराम, चौथी रुकू, पांचवी सुजूद, छठी खिरत, सातवीं जिक्र, आठवीं तशहुद और नौवीं सलाम। हाँ, ये आपको पूरा समझ में आया सिलसिलेवार। अब क्या रहे? दो ही रहे। तरतीब, तरतीब बोले तो क्या मालूम? सिलसिलेवार करना। ख्याम है, ख्याम के बाद रुकू में जाना, रुकू के बाद सज्दे में जाना, सज्दे के बाद उठ के बैठना, बैठ के अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वा अतूबु, फिर सज्दे में जाना, फिर खड़े रहना, ऐसा स्टेप बाय स्टेप करना, इसको बोलते हैं तरतीब। क्या बोलते हैं इसको? तरतीब। तरतीब। अगर ये छोड़ के आप क्या करें, अल्लाह अकबर बोले पढ़े और रुकू में गए, अगर सज्दे में गए, नमाज टूट जाती। पूरा स्टेप बाय स्टेप होना पड़ेगा। क्या दसवां क्या है जिसको क्या बोलते हैं? तरतीब। बोलो उसको क्या समझाएंगे आप? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तरतीब से चलेंगे आप। जैसा पहले क्या, जैसा अपन हर इसमें क्या करते, पहले अलम पढ़ते फिर सूरा पढ़ते, तो वैसे ही पढ़ना, नहीं तो पहले सूरा पढ़ेंगे बाद में अलम पढ़ेंगे, ऐसा तरतीब ऐसे चलते रहना। जैसा पढ़े ना उसमें फर्क नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं? तरतीब, स्टेप बाय स्टेप चलने को। हाँ, होगा। ये कौन सा है? दसवां है। बोलो फिर से 1 to 10। सबसे पहले दियत, दूसरी खयाम, तीसरी तकबीरतुल इहराम, चौथी रुकू, पांचवी सुजूद, छठी खिरत, सातवीं जिक्र, आठवीं तशहुद, नौवीं सलाम और दसवीं तरतीब। और फिर उसके बाद 11, यानी
मवालात बोल, सुनो क्या है मवालात, मवालात मवालात बोले तो अब अलम का सूरा पढ़ती जाती, दूसरा सूरा शुरू करना, नहीं तो अलम का सूरा पढ़े थोड़ी देर सोचते हुए खड़े रह गए, फिर बाद में शुरू करे, ऐसा उसको पे दर पे यानी बिल्कुल कंटिन्यूस पढ़ना, बीच में रेसेस नहीं देना, बीच में टाइम नहीं दे देना, बीच में, तो इसको बोलते मवालात। नमाज शुरू करे बाद आप नमाज नमाज कंटिन्यूस पढ़ते रहना, हाँ नमाज में गैप नहीं देना, अब पढ़ते होते ऐसा ऐसा नहीं करते बैठना, पूरे पूरा तरतीब से। तो अब क्या हो गया, ये पूरे 11 चीजें हो, 11 चीजें समझाओ, फिर से बोलो मेरे पूरे 11। सबसे पहले रियाज, दूसरी खयाब, तीसरी तकबीरातुल एहराम, चौथी रुकू, पांचवी सुजूद, छठी खरात, सातवीं जिक्र, आठवीं तशहुद, नौवीं सलाम, दसवीं तरतीब और ग्यारहवीं मवालात। यानी हर एक तरतीब बोले तो समझ गए ना, तरतीब भी जो है तो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप बराबर चलना, और मवालात बोले तो कंटिन्यूस रखना, गैप नहीं देना पढ़ते वक्त, जी यानी रुक नहीं जाना ना। तो ये जो है तो क्या जाते हैं ना, ये 11 है, हाँ 11 समझ गए बाजी बात। अब उसके अंदर ये 11 में से 5 रुकुन है, रुकुन बोलते हैं, ये 11 में से ही 5 वो रुकुन अगर वो हो गए तो आप बिल्कुल नमाज छोड़ देना, दूसरी नमाज पढ़ना, और दूसरे बचे हुए जो है तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर है, कुछ तो भी 2 रकत नमाज नमाज एहतियात है उसके लिए, इसके लिए नहीं है। वो कौन से 5 है, ये 11 में से ही 5 है, ये 11 भी पढ़े ना, उसमें से 5 ऐसे हैं कि वो सुनो, पहले सुनो, क्या छूट गया तो आपको नमाज चली जाती, बिल्कुल छोड़ देना पड़ता, फिर दूसरी नमाज पढ़ना पड़ता। तो वो 5 को क्या बोलते हैं, रुकुन, क्या अरकाने नमाज, अरकाने नमाज यानी रुकुन, रुकुन क्या है, 5 रुकुन कौन से हैं, पहली है नियत, अब नियत छोड़ दिए, नियत करी नहीं और नमाज पढ़ ली, तो वो नमाज बातिल हो जाती, दूसरे वक्त नमाज पढ़ना पड़ता। आप सोचे नहीं, जोर की पढ़ो उनके मगरिब की पढ़ो, पढ़ दिए, पढ़ लिए, नियत ही नहीं करे और नमाज पढ़ लिया, तो वो नमाज फिर से पढ़ना पड़ता नियत करके, वो नमाज क्योंकि वो रुकुन है, रुकुन भूलना नहीं। अब उसके बाद दूसरा क्या है, तकबीरतुल एहराम, यानी वो जो अल्लाह अकबर बोलते वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रुकुन है वो। अगर अब उसके बाद क्या है, क्या बना, अगर नहीं पढ़े आपको तो आपकी नमाज बातिल हो जाती, नमाज ही छोड़ देना पड़ता। और उसके बाद यह है, और एक क्या है मालूम, रुकू से मुतसिल ख्याम, यानी रुकू करने से पहले जो अपन ये अल्लाह अकबर बोलते हैं, अब अल्लाह अकबर बोलते कि एकदम नहीं झुक जाने का, आप तो सूरा पढ़े ये करे तो खड़े रहते ना, खड़े रहना पड़ा थोड़ा सा ख्याम, या आप जमात की नमाज हो रही, नमाज मौलाना रुकू में, हाँ आप बाहर से आए, अब बाहर से आती अल्लाह अकबर बोलते ऐसे नहीं घुसना पड़ता आपको, अल्लाह अकबर बोले तो मुतसिल जो है, यानी उसको क्या बोलते हैं, रुकू, सब रुकू जो है तो आपके वो है कौन से, वाजिब है, पर ये जो ख्याम है, ख्याम बाद में भी खड़े रहते ना, बाद में भी खड़े रहते, हर वक्त खड़े रहते, मगर जो रुकू से पहले खड़े रहते ना वो कंपल्सरी, हाँ यानी आप थोड़ी देर खड़े रहना पड़ता। और ये कब होता है ना, जब जमात की नमाज में जाते, जमात होते रहती आप जाते और पेशवा साहब जैसे तो रुकू में अपन क्या बोलते, या अल्लाह बोलते, और या अल्लाह बोल के क्या करते, अल्लाह नियत करते, अल्लाह अकबर बोलते, तो उस वक्त रुकू करते एक मिनट तो भी खड़े रहना पड़ता, बगैर खड़े रह के रुकू में नहीं जाना, हाँ उसको बोलते क्या, रुकू मुतसले ख्याम, रुकू जो जुड़ा हुआ, यानी ये रुकू भी जो है तो रुकू है, हाँ एक चीज क्या है, नियत है, दूसरी तकबीरतुल एहराम, और तीसरे रुकू है, चौथे जो तो ख्याम यानी जो खड़े रहना है रुकू से पहले, और तीसरे है वो जो खड़े रहना, पहला क्या बोला मैंने, पहला नियत, तीसरा दूसरा तकबीरतुल एहराम, फिर वो जो खड़े रहते रुकू से पहले ख्याम, ख्याम, उसके बाद चौथा रुकू, रुकू भी रुकू नहीं,
ये रुकू में जाना भी रुकू नहीं, रुकू छूट गया नमाज बातिल, हाँ रुकू से पहले खड़े रहना नहीं हुआ वो भी बातिल, नियत नहीं करे वो भी बातिल, अल्लाह अकबर नहीं करे जो पहले तकबीरतुल अहराम नहीं करे अपन तो भी नमाज, यानी कंटिन्यू नमाज शुरू करते वक्त चार चीजें ऐसी नहीं हुई आपकी तो नमाज बातिल। नमाज शुरू करते वक्त ये चार बातें करते अपन, कौन सी बातें करते, नमाज शुरू करे ना अल्लाह अकबर, पहले नियत, नियत पहले वाजिब, दूसरा वाजिब तकबीरतुल अहराम, और चौथा तीसरा ख्याम और चौथा रुकू, ये चारों बातें आपको कंटिन्यूस है, हाँ ये नहीं करे तो आपकी, और उसके बाद ये तो आप सज्दे में जाते, रुकू के बाद सज्दे में जाते, हर रकत में दो सज्दे, ये जो है तो आपके कंपलसरी, इतने पांच पहले की कंटिन्यूस चीजें ये इनमें आ जा रही ना, इसमें से ये पांचवी क्या है, पांचवा जो है तो सज्दे सुजूद, वो भी रुकून है, कितने चीजें रुकून हुए, पहला नियत, दूसरा तकबीरतुल अहराम, तीसरा ख्याब, चौथा रुकू, पांचवा सुजूद, सुजूद कौन से सुजूद, वो जो यानी रकात में दो सजदे अगर गलती से हुई, यानी ये जो है ये पांचों चीजें आपके रुकून कहलाते हैं, ग्यारह में से पांच लिए पर बाकी क्या हुआ, छह जो बच गए वो रुकून नहीं, कौन से बच गए, इसमें इसमें खिरत बच गया, इसमें जिक्र बच गया, इसमें तशहुद बच गया, इसमें सलाम बच गया, इसमें तरतीब मवाला, ये क्या है मालूम, ये वाजिबात है, मगर ये 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर के पूरे पांच रुकून है, कौन से, नियत रुकून है, ख्याम रुकून है, तकबीरतुल अहराम रुकून है, रुकू वो है रुकून और ख्याम रुकून है, समझ गए, ये होगा पांच चीजें। अब आपको पूरा, अब इसमें से अब आप जब नमाज पढ़ते, अब आप समझे सुन्नियों की मस्जिद में गए, अब उनके पास क्या होता, अल्लाह अकबर तो वो भी बोलते अपन भी बोले, हाँ उसके बाद क्या हो जाता, अपन सजदे में जाते वक्त अल्लाह अकबर, अपन अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वअतुबुलैहि अल्लाह अकबर, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वअतुबुलैहि अल्लाह अकबर, ये अगर नहीं करके आप दिल में भी कर लिया, हाथ में उठाए तो कुछ भी नहीं होता, सुनेगा मुस्तहब है, ये करे तो सवाब, नहीं करे तो कुछ गुनाह नहीं होता, ये वाजिबात में से नहीं, हाँ समझ गया ना, ये को, और एक आप वो पढ़ते कुनूत, हाँ रब्बना खुली या रब्बना आतिना फी दुनिया हसना पढ़ते ना, वो भी मुस्तहब है, वो भी रुकुन है ना, वाजिब है, हाँ वाजिबात में से नहीं है, मुस्तहब है, मुस्तहब चीज छूट भी गई तो आपकी नमाज को कोई भी जो है तो खलल नहीं होता। अब आपको नमाज की सब बातें समझ में आ गई होंगी, आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अली साहब के लिए हमने छोटा सा दर्द दिया, अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि उनकी तौफीक देगा कि उन्होंने तमाम वाजिबात की अदायगी नमाज में करेंगे।